आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर। देश के लिए और देशवासियों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा रहा। नवरात्रि का शुभारंभ और मां का मिला आशीर्वाद देशवासियों के लिए और देश के लिए अच्छा लेकर आया है। ऐसी चार प्रमुख खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन उन्हें बताने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप तक ऐसी ही बेहतरीन खबरों को लगातार लाते रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त देव श्रीवास्तव आपके साथ एक बार फिर हूं देश की बड़ी खबरों को लेकर। पहली खबर जो वर्तमान समय है उससे जुड़ी हुई है, कोविड से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से स्वायत्त संस्थाओं तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रमुखों और उनके निर्देशकों के साथ कल बैठक की थी कोविड से संबंधित। इसमें कोविड से एहतियात के उपायों के बारे में जानकारियां साझा की गई कि क्या बेहतर हो सकता है। इस बैठक के बाद देश के जो आवाम है उसके लिए कई एहतियात के तौर पर और कई अच्छी खबरें सामने आ सकती हैं। इस समय जो प्रयास किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, वो लगातार ये प्रयास जारी है कि हम कोविड को जल्दी से जल्दी देशवासियों के लिए कंट्रोल करें। और इस पर एक अच्छी खबर पहले भी आप आ चुकी है कि संभवतः जनवरी जो हमारा अगला साल आने वाला है उससे उस दौरान भारत में वैक्सीन लगेगी, वो भी कई तरह से कोविड का इलाज संभव हो पाएगा। दूसरी बड़ी खबर जो आई है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 महीने का महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सरकार चलाने जा रही है। मिशन शक्ति जिसका नाम है उसका शुभारंभ कर दिया गया, आज करेगी सरकार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने का जो उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला बेहद अहम है और ये जागरूकता कार्यक्रम जो है बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके बाद जो तीसरी खबर है वो भी कोविड से जुड़ी हुई है। देश में पिछले 1.5 महीने में पहली बार कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 8 लाख के नीचे आ गई है। ये बड़ा आंकड़ा और बहुत बड़ी खबर है, 8 लाख के नीचे। अगर एक ग्राफ की बात करें तो ये काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ, लगभग 1.5 माह। 1.5 माह का जो दौर बहुत देश ने जो इस कोरोना के संक्रमण को झेला बहुत ही खराब समय था और काफ़ी लंबे समय से है। अब जल्दी इस पर जो कंट्रोल हुआ बहुत अच्छा खबर है। देश में पिछले 1.5 महीने में पहली बार को जो ये संख्या इतनी नीचे आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र के नेतृत्व में लक्षित रणनीति से कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर लगातार कम हो रही है, उसमें कमी आ रही है लगातार। दोस्तों इसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर जो शायद जाना जरूरी है, ये सभी खबरें जो हम आप तक अभी लेके आए थे ये सभी खबरें जो हैं बहुत अहम थी, बड़ी थी। और इसके बाद हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार 551 अरब 50 करोड़ 50 लाख डॉलर की वृद्धि हुई है। इसमें विदेशी मुद्रा भंडार, आप समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी अहमियत क्या होती है। तो दोस्तों 9 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 5 अरब 86 करोड़ 70 लाख डॉलर की वृद्धि हुई है। ये बड़ी बात है और इतनी बड़ी वृद्धि जो हुई है यह 551 अरब 50 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गया। अब जो आंकड़ा है इस समय का विदेशी मुद्रा भंडार का, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 5 अरब
73 करोड़ 73 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 508 अरब 78 करोड़ 30 लाख डॉलर हो गई है। इस दौरान स्वर्ण भंडार, सोना जो देश का है, इसमें 11 करोड़ 30 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। यह अब 36 अरब 59 करोड़ 8 लाख डॉलर मूल्य का हो गया है। दोस्तों, हम आपसे फिर एक बार निवेदन कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर लाइक हर सब्सक्राइब हमारे उत्साह को बढ़ाता है, कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, हम आप तक ऐसी बेहतरीन खबरों को लगातार लाते रहेंगे। बस हम संक्षिप्त में आपको बता दें कि जो हम अभी जिस पर खबर पर चल रहे थे, जो विदेशी मुद्रा भंडारण की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत के विशेष आरण अधिकार में 40 लाख डॉलर की मामूली बढ़ोतरी हुई है और यह 1 अरब 48 करोड़ डॉलर हो गया है। मुद्रा कोष के साथ आरक्षित भंडार भी 1 करोड़ 30 लाख डॉलर बढ़कर 4 अरब 64 करोड़ 40 लाख डॉलर पर पहुंच गया है। ये अच्छी खबर देश के लिए। ऐसी बेहतरीन खबरें हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।